हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अगर आपने अभी अभी फोटोग्राफी स्टार्ट करी है या फिर आप ये सीख रहे हैं कि कैसे मैनुअल मोड पे हम फोटोग्राफ्स लेते हैं या फिर अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ क्या रोल करता है या उनका कैसे काम होता है, इजी तरीके में अगर आप सीखना चाहते हैं जैसे मैंने सीखा है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जैसे मैंने मैनुअल मोड सीखा है मैं वैसे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इजी टर्म्स में, इजी वर्ड्स में, ताकि आपको थोड़ा मैनुअल मोड समझ आ जाए कि शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो आपकी फोटोग्राफ में अलग अलग चेंजेस लाते हैं। और अगर आपको पता है कि मैनुअल मोड पे कैसे फोटोज क्लिक करते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और आप मेरी बाकी वीडियोज को मेरी फीड पे चेक कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैनुअल मोड का मतलब ये होता है कि आपको सब कुछ मैनुअली अपने हिसाब से सेट करना है। आपका कैमरा कुछ भी ऑटोमेटिकली या अपने दिमाग से उसमें यूज नहीं करेगा। मैनुअल मोड के अंदर तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, द फर्स्ट इज शटर स्पीड, अपर्चर एंड द आईएसओ। अगर आप चाहते हैं कि ब्राइट डे लाइट में आपकी फोटोग्राफ थोड़ी डार्क आए या फिर बिल्कुल डार्क नाइट्स में आपकी फोटोग्राफ थोड़ी ब्राइट आए, तो आप इन तीन सेटिंग्स को चेंज करके अपनी फोटोग्राफ को लाइट या डार्क बना सकते हैं। तो वो सारा काम आपकी ये तीनों सेटिंग्स एक साथ मिलके करती है, जिसको हम एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहते हैं। लेकिन इन तीनों का एक कॉमन रोल भी है जो आपकी फोटोग्राफ में होता है, वो होता है कि आपकी फोटोग्राफ को लाइट या डार्क करना। आप शटर स्पीड चेंज करो, आपकी फोटोग्राफ लाइट या डार्क होगी। आप अपर्चर चेंज करो, आपकी फोटोग्राफ लाइट या डार्क होगी। आप आईएसओ चेंज करो, आपकी फोटोग्राफ लाइट या डार्क होगी। उसके अलावा इनके जो मेजर रोल है वो मैं आपको आज यहाँ इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि शटर स्पीड और अपर्चर होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा विजुअली थोड़ा इमेजिन हो जाए कि वो दोनों है क्या। सो लेट्स सपोज आप एक पीवीआर थिएटर में बैठे हैं जिसमें बिल्कुल अंधेरा, आपको आपके सामने वाली कुर्सी भी नहीं दिख रही है, और जहां पे मूवी स्क्रीनिंग होती है वहां पे दो विंडोज हैं, एक बहुत बड़ी विंडो है और एक छोटी सी विंडो है। अब दोनों विंडो एक एक सेकंड के लिए बारी बारी से खुलती हैं। तो जब बड़ी विंडो एक सेकंड के लिए खुलेगी तो आपको आसपास में थोड़ी सी डिटेल दिखनी शुरू होगी, आपके आसपास वाली जो सीट्स हैं आपको दिखनी शुरू होगी, क्योंकि वो विंडो इतनी बड़ी है कि उससे आपके ऊपर, यू आर द सेंसर, आपके ऊपर इतनी लाइट आ रही है कि आपको आसपास के एरिया में डिटेल्स दिखनी शुरू हो रही है। लेकिन जब छोटी विंडो भी एक सेकंड के लिए खुल के बंद होती है तो आपकी आंखों को इतनी लाइट नहीं मिल पाती कि आपके आसपास की भी जो कुर्सियां हैं उसमें डिटेल्स आपको दिखे। लेकिन अगर मैं उसी छोटी विंडो को 30 सेकंड्स के लिए खोल दूं तो आपको थोड़ी सी डिटेल आपके आसपास की जो चेयर्स हैं उसमें दिखना शुरू हो जाएगी। तो साइज ऑफ द विंडो इज अपर्चर, कि आप कितनी बड़ी विंडो यूज कर रहे हैं अपने सेंसर पे लाइट आने के लिए, और एक सेकंड के लिए खोलना या 30 सेकंड के लिए खोलना इज शटर स्पीड, कि आप कितनी देर तक उस शटर स्पीड को, कितनी देर तक उस विंडो को खोल के रखते हैं कि आपके सेंसर के ऊपर लाइट पड़ सके। कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब आपको छोटी विंडो भी एक सेकंड के लिए खोलो और आपको पूरी डिटेल्स दिखेगी, और कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब आप बड़ी विंडो यूज करो और 30 सेकंड दो तब भी आपको बहुत कम डिटेल्स दिखेंगी। तो अब बात करते हैं शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ की इन डिटेल। सबसे पहले आता है आपका आईएसओ। एक जो कॉमन रोल मैंने आपको इन सब का तीनों का बताया वो है आपकी फोटोग्राफ में लाइट डालना या फिर उसको डार्क करना। उसके अलावा लेट्स सपोज मैं शाम के वक्त शूट कर रहा हूँ तो उस वक्त इतनी लाइट नहीं है कि मेरी फोटोग्राफ में जो है डिटेल्स दिखनी शुरू हो, तो मैं अपना आईएसओ इंक्रीज कर दूंगा, बम्प अप कर दूंगा 400, 800, 1200, 10,000, 12,000 ऐसे, और मेरी फोटोग्राफ में डिटेल्स आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वही डे टाइम में शूट कर रहा हूँ 10 बजे, 11 बजे सुबह, 12 बजे या 2 बजे, 3 बजे, तो इतनी डे लाइट है मेरे पास कि मेरे सेंसर को बहुत ज्यादा लाइट मिल रही है, और तब मैं अपना आईएसओ लो कर दूंगा 100, 200, 400। बट दीस आर नॉट द फिक्स आईएसओ, एज वेल एज जो मैं आपको शटर स्पीड या अपर्चर भी बताऊंगा वो भी फिक्स नहीं है। ये एक बेसिक ऑप्शन है, ये एक बेसिक फंडा है जो आपका यूज होता है। लेकिन जब आप आईएसओ बढ़ाएंगे तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपकी फोटोग्राफ में ग्रेन्स आने शुरू होंगे। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एक जो कॉमन रोल है आपके तीनों चीजों का वो है लाइट डालना, लेकिन उसके अलावा उनका एक और जो सेकंड मेन रोल आता है वो है अलग अलग इफेक्ट्स आपकी फोटोग्राफ में देना। तो आईएसओ का जो सेकंड रोल है वो है आपकी फोटोग्राफ में ग्रेन्स लाना। अगर आपने इंक्रीज किया आईएसओ तो आपकी फोटोग्राफ में ग्रेन्स आने शुरू होंगे, और अगर आपको ग्रेन्स नहीं चाहिए तो आपको आईएसओ कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इतनी लाइट नहीं है तो आपको आईएसओ इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो वहां पे आपका एक्सपोजर ट्रायंगल बहुत ज्यादा काम में आता है, जब आप अपर्चर और शटर स्पीड के साथ प्ले करके अपने आईएसओ को भी डाउन करके रात में फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। हर कैमरे की नॉइस परफॉर्मेंस अलग होती है। आप अगर क्रॉप बॉडी लें तो क्रॉप बॉडी में भी आपको जो डिफरेंट प्राइसेस में कैमरास मिल रहे हैं ना, तो हर कैमरा की जो नॉइस परफॉर्मेंस है वो अलग होगी। जो आपको फुल फ्रेम मिल रहे हैं उनकी भी नॉइस परफॉर्मेंस अलग होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके 20,000 वाले कैमरा में अगर 400 पे भी नॉइज आ रही है तो आपका जो 1,00,000 वाला कैमरा उसके भी 400 पे नॉइज है।
इट डिपेंड्स ऑन द सेंसर साइज एज वेल एज कितना अच्छा प्रोसेसर आपके कैमरा के अंदर लगा है। अब बात करते हैं सेकंड सेटिंग की, दैट इज शटर स्पीड। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कितनी देर तक आपका जो विंडो है वो खुला रहे वो आपका शटर स्पीड है, और शटर स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं 1 सेकंड पे। तो आपका जो 1/2 है दैट मीन्स कि 1 सेकंड का आधा पार्ट, आप अगर 1/100 करें तो 1 सेकंड का 100 पार्ट, और अगर आप 1 से ऊपर जाके डॉट डॉट 2 डॉट डॉट अगर जहाँ पर आके आते हैं दैट मीन्स कि वो सेकंड्स में चला गया है। तो 2 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। फॉर एग्जाम्पल आप जब वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं, आप जब बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप जब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप फरारी या कार्स को, रेसिंग कार्स को शूट कर रहे हैं, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो बहुत फास्ट है और आपको उसको फ्रीज करना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल शटर स्पीड में अगर आप उसको कैप्चर करेंगे तो आपका सब्जेक्ट ब्लर आएगा बिकॉज उसकी स्पीड बहुत है। तो अगर आपको उसको फ्रीज करना है तो यू विल इंक्रीज योर शटर स्पीड। दैट्स वाई जब हम बर्ड फोटोग्राफी करते हैं या फिर जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या जब हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं तब हमारी शटर स्पीड 1/1200 से ऊपर होती है ताकि हम अपने सब्जेक्ट्स को फ्रीज कर सके। अब ये भी एक बेसिक सेटिंग है, कई बार आपका सब्जेक्ट बहुत फास्ट होता है, आप एक फरारी कार और एक मारुति कार को एक ही शटर स्पीड पे फ्रीज नहीं कर सकते। सो जितनी स्पीड आपके सब्जेक्ट की बढ़ेगी उतना आपका शटर स्पीड बढ़ेगा अगर आपको उसको फ्रीज करना है। उसी तरह जब हम एस्ट्रो शूट करते हैं तो जो स्टार्स होते हैं या जो गैलेक्सीज हैं उनकी जो लाइट होती है ना वो बहुत ही कम होती है, तो उस टाइम पे अगर आप 1 सेकंड से ऊपर 1/10, 1/100, 1/4000 अगर शटर स्पीड देंगे तो आपके शॉट्स में बिल्कुल भी डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि आपके सेंसर को एक तो इतनी लाइट नहीं मिल रही उन स्टार्स से एज वेल एज उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो बहुत ही डिम लाइट्स में भी डिटेल दिखा सके। तो ऐसे सिनेरियोस पे हम अपनी शटर स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं 1 सेकंड से ज्यादा। कई बार हम 10 सेकंड्स यूज करते हैं, कई बार हम 15 सेकंड्स यूज करते हैं, कई बार हम 30 सेकंड तक यूज करते हैं टू कैप्चर अ ब्यूटीफुल मिल्की वे और स्टार ट्रेल्स। अगेन जब आप डे लाइट पे शूट कर रहे हैं तो ISO की तरह आपकी जो शटर स्पीड है वो 1/200, 1/400, 1/640 या 1000 तक जा सकती है, और जैसे जैसे इवनिंग होगी वैसे वैसे लाइट आपकी कम होगी और वैसे वैसे आपकी शटर स्पीड भी थोड़ी कम होनी शुरू होगी, 1/100, 1/80, 1/50, 1/30। एंड यूजली वी रिकमेंड के 1 सेकंड से जब ऊपर शटर स्पीड हो तब आप ट्राईपॉड्स यूज करें, वरना आपके हैंड हेल्ड शॉट्स में शेक आने के चांसेस है। अब तीसरी जो मेन चीज आती है आपके कैमराज में वो है अपर्चर। अपर्चर का एक रोल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपकी फोटोग्राफ में लाइट डालना और लाइट कम करना। उसके अलावा जो सेकंड रोल आता है आपका अपर्चर का वो है कि आपको कितनी डिटेल्स चाहिए अपने सब्जेक्ट के पीछे और आगे में। लेट्स सपोज आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो मैं F2 पे शूट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा जो कैमरा है मेरे जो आगे रखा है जिसके बीच में इतना डिस्टेंस दिए है इवन वो भी ब्लर है, और मेरा जो पीछे बैकग्राउंड है वो भी ब्लर है, लेकिन मैं जो हूँ वो फोकस में हूँ। अब मैं अगर इसी F2 को अगर मैं इंक्रीज करके F11 कर दूं या F16 कर दूं तो आपको इसमें भी डिटेल दिखनी शुरू हो जाएगी और आपको उसमें भी डिटेल दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आपने जो वो ड्रीमी शॉट देखे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल बुके बन रहे होते हैं उसके लिए आप अपने अपर्चर को नीचे कर दीजिए 1.8, 1.4, 1.2, 2.8, जो भी आपके पास लोएस्ट अवेलेबल है, F4 जो भी अवेलेबल है आप उस पर शूट करिए, एंड आपके सब्जेक्ट के पीछे और आगे जो चीजें होंगी वो बुके बनना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आगे पीछे में डिटेल्स दिखे तो आप अपर्चर इंक्रीज कर सकते हैं। अब शटर स्पीड की तरह बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस कौन से होते हैं जब आप अपर्चर F2.8 पे शूट कर सकते हैं या F16 पे शूट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज इफ यू आर शूटिंग लैंडस्केप तो आपको लैंडस्केप में आगे जो आपका फोरग्राउंड है उस पर भी डिटेल चाहिए, आपको मिड ग्राउंड में भी डिटेल चाहिए और आपको बैकग्राउंड में भी डिटेल चाहिए। आपको आगे लेट्स सपोज आपके फोरग्राउंड में सी है, बीच में लैंड है, फिर आपका स्काई या माउंटेन्स है, तो आपको तीनों चीजों में डिटेल चाहिए, तो वहां पे आप अपना अपर्चर जो यूज है वो यूज करोगे F11 या F13 या F16 बिकॉज यू वॉन्ट डिटेल फ्रॉम फोरग्राउंड टू द बैकग्राउंड। और उसी तरह अगर आप किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हो तो वहां पे आप अपर्चर को 2.8, 1.8, 1.4, F2 या 1.2 पे भी शूट कर सकते हैं बिकॉज आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे आपको डिटेल्स नहीं चाहिए, तो आपके सब्जेक्ट का जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा। नाउ दीज आर द मेजर रोल ऑफ अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। अगर आपको एक बार समझ आ गया कि शटर स्पीड कैसे यूज होती है, अपर्चर कैसे यूज होता है और ISO कैसे यूज होता है, तो आप उन तीन चीजों को मिला के, जैसे मैंने बोला लेट्स सपोज आप रात के वक्त स्ट्रीट पे शूट कर रहे हो और आप अपना ISO इंक्रीज नहीं करना चाहते हो, आप 200 पे शूट करना चाहते हो, तो आप वहां पे अपना अपर्चर 2.8 कर दोगे या 1.8 कर दोगे ताकि आपके सेंसर पे थोड़ी और लाइट है, और आपको तब भी अगर लग रहा है कि आपका शॉट जो है वो थोड़ा डार्क जा रहा है फिर आप शटर स्पीड को थोड़ा
ज्यादा नीचे करोगे, आप 1/200 से 1/100, 1/50 पे लेके आओगे, ताकि आपके सेंसर को थोड़ी और लाइट मिले आपकी फोटोग्राफ को एक्सपोज करने का। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली प्ले विद द एक्सपोजर ट्रायंगल, और आप इन तीनों चीजों के साथ प्ले करके अपनी फोटोग्राफ को अच्छी तरह एक्सपोज कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। नाउ अगर आप मैनुअल मोड में भी शूट कर रहे हैं ना, तो आपके कैमरास के अंदर एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत हेल्प करता है आपके शॉट्स को ऑलमोस्ट टू नियर द परफेक्ट एक्सपोज करने में, वो है आपके कैमरास के अंदर लगा हुआ कैमरा लाइट मीटर। आप कैमरा लाइट मीटर को रीड करके अपने फोटोग्राफ को परफेक्टली एक्सपोज या नियर टू परफेक्टली एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन कैमरा लाइट मीटर आपका बिहेव करेगा आपकी मीटरिंग के ऊपर कि आपने मीटरिंग क्या रखी है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट डिफरेंट मीटरिंग होती है। लेट्स सपोज इफ आई एम शूटिंग पोर्ट्रेट तो मैं सेंटर वेटेड रखूंगा, अगर मैं लैंडस्केप शूट कर रहा हूं तो मैं मैट्रिक्स शूट करूंगा, और अगर मैं वाइल्ड लाइफ कर रहा हूं तो मैं मोस्टली स्पॉट मीटरिंग रखूंगा। अगर आपको मीटरिंग के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो उसकी वीडियो आपको टॉप राइट साइड पे दिख जाएगी, आप उसको क्लिक कर सकते हैं एंड वो वीडियो आप देख सकते हैं कि आपका कैसे सेमी ऑटो मोड्स पे जब आप अपर्चर पे शूट करते हैं या शटर प्रायोरिटी पे शूट करते हैं या फिर जब इवन आप ऑटो मोड पे शूट कर रहे हैं तो आपकी मीटरिंग कैसे आपकी फोटोग्राफ को डार्क या लाइट करती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ के क्या रोल होते हैं, कैसे आपकी फोटोग्राफ में वो चेंजेस लाते हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको तब भी कुछ समझ नहीं आया या अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी वो क्वेरी को सॉल्व करने का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मोर वीडियोज रिलेटेड टू द मोबाइल फोटोग्राफर्स एज वेल एज द कैमरा फोटोग्राफर्स आर कमिंग सून। सो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव अ थम्स अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, स्टे एट होम एंड बी सेफ।